कोरोना को लेकर दिल्ली के इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बैलरी साइंसेस की लेटेस्ट रिपोर्ट में एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। जानकारी यह है कि कोरोना से रिकवरी और वैक्सीनेशन के बाद जो एंटीबॉडी डेवलप होती है, डेल्टा वेरिएंट उसे चकमा दे देता है। ये स्टडी ऐसे वक्त में आई है जब WHO ने डेल्टा वायरस के खतरे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आज TV9 भारतवर्ष की इस रिपोर्ट में हम आपको अमेरिका से लेकर राजस्थान की कोरोना रिपोर्ट दिखाएंगे और यकीन मानिए, ये रिपोर्ट देखने के बाद आप भी कहेंगे कि अगर सावधानी नहीं बरती गई और लापरवाही की गई तो वायरस के विस्तार से बचना बहुत मुश्किल है। The Delta variant is ripping around the world at a scorching pace, driving a new spike in cases and death. Delta is now in more than 104 countries and we expect it to soon be the dominant COVID-19 strain circulating worldwide. इस चेतावनी को हल्के में नहीं लिया जा सकता। विश्व स्वास्थ्य संगठन के चीफ की घबराहट बता रही कि कोरोना का डेल्टा वेरिएंट वैश्विक नरसंहार का रास्ता तैयार कर रहा है। आधी दुनिया कोरोना के सबसे खूंखार वेरिएंट की चपेट में आ चुकी है। जो अभी भी नहीं संभले उन्हें पछताने के लिए वक्त भी नहीं मिलेगा। My message today is that we are experiencing a worsening public health emergency that further threatens lives, livelihoods and a sound global economic recovery. टेड्रोस अधानोम की ये वार्निंग यूं ही नहीं है। 104 देशों में डेल्टा वेरिएंट मौत का दूसरा नाम बनकर घूम रहा है, लोगों को संक्रमित कर रहा है। आंकड़े भी गवाही दे रहे हैं कि हालात तेजी से बिगड़ सकते हैं। दुनिया भर में कोरोना के मामले लगातार गिर रहे थे। 10 हफ्तों तक लगातार गिरने के बाद अब ये आंकड़े फिर से ऊपर उठने लगे हैं। हम आपको बता दें कि जुलाई का दूसरा हफ्ता ऐसा चौथा हफ्ता है जब कोरोना के मामले दुनिया भर में फिर से बढ़ने लगे हैं। WHO ने भी इस बात को माना कि COVID-19 का वायरस लगातार बदल रहा है और पहले से ज्यादा संक्रामक होता जा रहा है। अब आपको अमेरिका के ताजा उदाहरण से समझाते हैं कि आखिर कैसे कोरोना 10 हफ्ते कंट्रोल में रहने के बाद अब बेकाबू होता जा रहा है। 23 जून तक अमेरिका में कोरोना के नए मामलों की संख्या औसतन 11,000 थी, लेकिन अब अमेरिका में कोरोना का डेली मीटर 23,000 के कांटे को पार कर चुका है। अमेरिका में 55% से ज्यादा आबादी को कोरोना वैक्सीन लग चुकी है। इसके बावजूद कोरोना केस में जंप आना ये बता रहा है कि खतरा अभी टला नहीं है। हालांकि वैक्सीनेशन का सबसे बड़ा फायदा अमेरिका को ये मिला कि संक्रमित मरीजों की तादाद बढ़ने के बाद भी मौतों का आंकड़ा भी कंट्रोल में है। कोरोना के पीक में अमेरिका में हर दिन वायरस करीब 4,000 लोगों को निगल रहा था, लेकिन अब यह आंकड़ा 90% तक कम हो गया है। अब आप इन तस्वीरों को देखिए। यह अपने इंडिया की तस्वीर है जो बताती है कि हमने दूसरी लहर से कुछ नहीं सीखा। पूरे स्पॉट पर आबादी ऐसे टूट रही है जैसे कोरोना पर पूर्ण विजय पा ली गई। ये चलते फिरते कोरोना बम किसी भी इलाके को हॉटस्पॉट बना सकते हैं। इन तस्वीरों को देखकर डर और बेचैनी सिर्फ हमारे और आपके जहन में नहीं, बल्कि पीएम मोदी भी लोगों की लापरवाही देखकर फिक्रमंद हैं। 13 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से संवाद करते नजर आए। इसमें पूर्वोत्तर के राज्यों में कोरोना की स्थिति को लेकर उन्होंने चर्चा की। इस मीटिंग में पीएम मोदी ने कहा कि हिल स्टेशनों पर बिना मास्क के जाना और वहां भीड़ जुटाना वाकई चिंता की बात है। राज्यों को तुरंत इस विषय पर ध्यान देने की जरूरत है। नैनीताल और मसूरी की ओर जाने वालों की भी कमी नहीं है और यहां भी कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। इस बीच एक और ऐसी खबर आई जिसने कोरोना की ताकत का एहसास कराया। भारत में कोरोना की पहली मरीज फिर से वायरस से संक्रमित हो गई। केरल के त्रिशूर की रहने वाली एक मेडिकल स्टूडेंट पिछले साल 30 जनवरी को कोविड पॉजिटिव पाई गई थी। ये वुहान से लौटी थी। अब फिर से लेडी स्टूडेंट कोरोना की चपेट में आ चुकी हैं और अभी क्वारंटीन में हैं। जिस प्रकार से नई खबर आई है कि केरला की युवती
जो चाइना से लौटी है उसको वापस कोरोना हुआ है। इसका मतलब ये है कि री इन्फेक्शन होता है। हमने री इन्फेक्शन के दर इटली में 0.3 से 0.5% देखे हैं और हिंदुस्तान में इस दूसरी वेव में 5% लोगों को री इन्फेक्शन हुआ है। री इन्फेक्शन का मतलब ये है कि जिन लोगों को कोरोना हो चुका है उनको दोबारा से कोरोना होना। कोरोना मामले में एक बिग ब्रेकिंग राजस्थान से भी आया। जिस वक्त में कोरोना का डेल्टा और डेल्टा प्लस वेरिएंट खौफ का पर्याय बना हुआ है, वैसे में राजस्थान के अंदर कप्पा वेरिएंट के 11 मरीजों के मिलने से हड़कंप मच गया। 4 केसेस तो इसके अलवर में आए, 4 जयपुर में आए, 2 बाड़मेर में आए और 1 भीलवाड़ा में आया। उसमें ये कप्पा वेरियंट के 11 केसेज राजस्थान में पाए गए। उल्टी होना, खांसी होना, बुखार होना, तो ये जो लक्षण कोविड के हैं वो इसी में आते हैं, लेकिन एसिम्प्टोमेटिक होता है। इसमें लक्षण कभी नजर आते हैं, कभी नजर नहीं भी आते हैं। कोरोना की तीसरी लहर के संभावित खतरे के बीच कांवड़ यात्रा एक बड़ा इशू बन चुका है। योगी सरकार कोरोना प्रोटोकॉल के साथ कांवड़ यात्रा को ग्रीन सिग्नल दे चुकी है, जिस पर 14 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। कोर्ट ने यूपी सरकार से कांवड़ यात्रा को इजाजत देने के पीछे की वजह बताने को कहा है, जिस पर अब 16 जुलाई को सुनवाई होगी। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।